ये देखिए यहाँ के पहुंच गए हम लोग मयूरेश्वर मंदिर मोरगांव में। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रत्नाकर विनायक। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मोरगांव के लिए। मोरगांव, पाली और महड़, ये ऐसे तीन गणपति हमारे बच्चे हैं। सीधा टेक से कल रात को हम लोग निकले थे, बहुत रात हो गई, इसके लिए हम लोग इधर आधे रास्ते में रुक गए अच्छे होटल में देख के। तब फिर रूम टूर देता हूँ, एक छोटा सा रूम उन्होंने लिया था, ये देख सकते हैं इस तरह का रूम है। होटल एम्बियंस करके होटल है दौड़ रोड पे, वहाँ पे हम लोग रुके थे। इसका रेंट हम लोग को 1200 रुपये एसी का वन नाइट का पड़ा था। इस तरह का बार से व्यू है होटल का। और ये इसका एंट्रेंस है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेन। ये देखिए एक प्लेन रखा हुआ है, इसके अंदर भी बैठ सकते हैं। अभी ये बंद है। और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है ऐसे। हेलो गाइस, हम लोग अभी निकले होटल से और यहाँ से मोरगांव 40 किलोमीटर बता रहे हैं, 51 मिनट, 10:15 के करीब पहुँचेंगे। अभी बज चुके हैं 9:20 और यहाँ के रास्ते अच्छे हैं, इसके लिए इतना लॉन्ग पैच हम लोगों ने एक दिन में कवर किया। ये आगे एक लंबा पैच है, ये मोरगांव के बाद मोरगांव से लेकर पाली तक का रास्ता लगभग 170-180 किलोमीटर का है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम जाने वाला है हमारा। तो आपको मिलता हूँ आगे। तो अभी हम लोग है मोरगांव रोड पे और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। मयूरेश्वर मंदिर तो बाकी है।
यहाँ के पहुँच गए हम लोग मयूरेश्वर मंदिर मोरगांव में। इस तरह के लाइन से यहाँ पे हेलो गाइस, हम लोग अभी मोरगांव से निकले, पानी के बदल रेखर के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में ही जेतुरी मिलेगा, आज जेतुरी तक भी जाएंगे। गाइस यहाँ के पहुँच गए हम लोग जेजुरी। Go!
हेलो फ्रेंड, हम लोग अभी जेजुरी पोर्ट से निकले हैं और खंडे राय के दर्शन हो चुके हैं हमारे अभी, और यहाँ से भी निकलते हैं पाली के लिए। ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये ब्लॉग को मैं यही पे एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ सातवें गणपति के अपने अष्टविनायक यात्रा में। तो इस तरह से हम लोग अभी नीचे आके पहुंच चुके हैं। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।